दोस्तों, ये जो दो तीन दिन से जामिया मिलिया में, शाहीन बाग में या जामा मस्जिद में जो धरने पे बैठे हुए वहाँ के प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो हमला करने वाले आ रहे हैं पिस्तौल लेके, उसका क्रोनोलॉजी सिर्फ संगीत सोम, अनुराग ठाकुर या दिलीप घोष के साथ मत जोड़िए, थोड़ा पीछे भी लेके जाइए, नहीं तो लगेगा कि ये जो भगवा टेरर है, जो हिंदुत्व टेरर है, कोई नया चीज़ है। ऐसा नहीं है, ये भगवा टेरर तो बहुत दिन से चला आ रहा है और इसका एक बहुत लंबा तारीख भी है, एक इतिहास भी है। इसका जो बात ये लोग कह रहे हैं पिस्तौल लेके जब हमला करने आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू का चलेगा, ये बात तो आज से बहुत साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले बंच ऑफ थॉट में या गोलवलकर और सबरकर की जो किताबें हैं, स्पीचेस है, उसमें है। ये जो कह रहे हैं कि तुमको आज़ादी चाहिए तो ये लो आज़ादी, इस तरह की बातें तो हमने बहुत पहले भी देखा है, जब हिंदुस्तान को मुसलमान से आज़ादी या छुटकारा दिलाने के लिए कभी मालेगांव में, कभी मक्का मस्जिद में, तो कभी समझौता एक्सप्रेस में बम उसमें अटैक किया गया और उसकी तोहमत जो है वो दिया गया मुस्लिम नौजवानों पे। तो उस वक्त अगर हम उस वो जो पिछले की जो ये सब कड़ी है, इसके साथ अगर इसका तार, इसका क्रोनोलॉजी नहीं जोड़ेंगे, तो फिर लगेगा कि हिंदुस्तान में असल में बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, एक कम्युनल पार्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक फैसीवादी है और इसका टेरर से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जो एनालिसिस होगा वो पूरा गलत होगा। आप क्राइस्टचर्च अटैक के मस्जिद में जो अटैक हुआ था उसके बारे में आप सोचिए, जब इस तरह की हमला होता है, वो नॉर्वे का अटैक हो, क्राइस्टचर्च का अटैक हो या अमेरिका में कोई इस तरह की अटैक हो, तो मीडिया का एक कोशिश रहता है इसको एक वाइट सुप्रीमेसी सेत अस्मिता के साथ ना जोड़ के, उस आदमी को थोड़ा पागल है या उसका चाइल्डहुड थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, बचपन में माँ बाप का डिवोर्स हो गया था, बेचारे को देखने वाला कोई नहीं था, या ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे थे तो इसीलिए बेचारा बंदूक लेके आ गए मस्जिद में, 50 लोगों को वहीं पर गोली कर दिया, ऐसा दिखाने की कोशिश होता है, मगर ऐसा है नहीं। तो ये जो आदमी जिसको कहा जाता है कि वो बेचारा तो नाबालिग था, आ गया था गोली करने के लिए, वो आदमी हो सकता है नाबालिग है, हालांकि वो है नहीं, उसके पैदा होने के 2 साल पहले 2000 में किसी की पिता का अगर इंतकाल हो जाए और 2002 में वो कैसा पैदा हो सकता है। तो अगर वो आदमी फिर भी अगर मान भी ले कि वो आदमी नाबालिग है, मगर वो जिस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था उस दिन बंदूक हाथ में पिस्तौल लेके, वो आइडियोलॉजी नाबालिग नहीं है, वो आइडियोलॉजी इस हिंदुस्तान में आज से 80 साल 90 साल से है। उसी आइडियोलॉजी ने गांधी को मारा, उसी आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान के कोनों बहुत सारे जगहों में दंगा करवाया, मस्जिद को ढाया, वो हेमंत करकरे उसी आइडियोलॉजी को, उसी टेरर को रोकने के लिए अपने जान तक गंवा दिया, शहीद बन गए, उसी आइडियोलॉजी को रोकने के लिए आज संजीव भट्ट जेल के पीछे है। तो इस आइडियोलॉजी को, इसको सिर्फ कम्युनलिज्म मत बोलिए, इसको टेरर बोलिए। वो क्राइस्ट चर्च में जो आदमी उस दिन गोली करने आया था, वो उनकी अगर आप 74 पेज की मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें वो सारे बात आपको मिलेगा जो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था, जो उस वक्त ब्रिटेन में टॉमी रॉबिन्सन या नाइजल फराज बोल रहा था, जो मैरी ला पेन बोल रहा था फ्रांस में। तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजी का पार्ट है। तो इस तरह से ये आदमी जो बोल रहे हैं कि तुम आज़ादी लो, या ये आदमी जो बोल रहा है कि तुम हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू का चलेगा, ये आदमी असल में कोई अकेला आदमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक टेरर नेटवर्क का पार्ट है और वो टेरर नेटवर्क को इस हिंदुस्तान में चला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। अब से इसको अब कम्युनल और फैसिस्ट पार्टी बोलना बंद कीजिए और इसको एक टेररिस्ट पार्टी बोलिए और पूरे हिंदुस्तान को इस टेररिज्म को जड़ से उठाने के लिए खड़ा होना है। अब तक हमने बहुत देख लिया, एक गाँव का आदमी जब अपने हक मांगने आता है तो उसको कहा जाता है कि, अगर वो दलित है तो उसको कहा जाता है कि माओइस्ट टेररिस्ट है, एक मुसलमान जब अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उसको कहता है कि तुम इस्लामिक टेररिस्ट हो, मगर
ना तो इस्लामिक टेररिस्ट ना तो माओइस्ट टेररिस्ट इस हिंदुस्तान की इंटरनल थ्रेट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदुत्व टेरर इस हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पहले इस बात को जब कबूल कराने की कोशिश किया गया तो बहुत सारे लिबरल्स की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो बीजेपी के खिलाफ है, उन्होंने कभी चिदम्बरम के खिलाफ या कभी दिग्विजय सिंह की इस टर्म के इस्तेमाल के खिलाफ खड़े हुए और कड़ी भाषा में निंदा की। हालांकि कांग्रेस खुद भी जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस हिंदुत्व टेरर को अपने यूपीए 1 और 2 की जमाने में सही से, अगर हेमंत करकरे की शहादत के बाद अगर हिंदुत्व टेरर के बारे में एक कड़ा रुख अगर इख्तियार करता तो आज ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। मगर आज हम ये दिन देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग बीजेपी के पॉलिटिकली बीजेपी के खिलाफ है, वो लोग आइडियोलॉजिकली और पूरे सामग्रिक तौर पर, ऑर्गेनाइज तौर पर जितना उस आइडियोलॉजी के खिलाफ होना चाहिए था उसने उस दिन आप पहले हुए नहीं है। अब बहुत देर हो गया, मगर इतना भी देर नहीं हुआ कि हिंदुस्तान को हम हिंदुत्व टेरर से मुक्त नहीं कर सकते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान को कहना पड़ेगा कि हमारा सबसे बड़ा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इस टेरर को जैसे भी हो हिंदुस्तान से इसका जड़ को उखाड़ फेंकना है हम सबको। और इसके लिए जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन से पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको आगे आना पड़ेगा। और सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हिंदुत्व टेरर है, और इस नेटवर्क को चला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। शुक्रिया।